हेलो एवरीवन, आज हम अपने ग्रुप एंड ड्रिंक्स की बुक का जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म वाला टॉपिक चल रहा था उससे आगे हम अपने एग्जांपल्स कवर करते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 14 है। लेट एफ फ्रॉम जी टू जी ए होमोमॉर्फिज्म एट लेट एफ कम्यूट्स विद एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी शो दैट एच इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू जी एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आपको क्या शो करना है कि ये जो एच है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है, ठीक है। H में एलिमेंट्स कैसे हैं? H में वो सारे G के एलिमेंट्स जाएंगे जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग F स्क्वायर इज इक्वल्स टू F मिलता है। तो अगर H को आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है तो सबसे पहले एटलीस्ट आपको उसको सब ग्रुप तो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और सब ग्रुप प्रूव करने से पहले भी आपको उसको नॉन एम्प्टी पहले प्रूव करना पड़ेगा। तो नॉन एम्प्टी प्रूव करने के लिए देखो, अब आइडेंटिटी जी क्या है? जी एक ग्रुप है और ग्रुप में तो आइडेंटिटी होती ही है। इसका मतलब क्या होगा? ई जी में जाएगा। ई अगर जी में है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एफ स्क्वायर ई निकालें। एफ स्क्वायर ई का मतलब क्या है? एफ ऑफ ई। वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? एफ ई के इक्वल आएगा, ठीक है। इट मीन्स आपके पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आ गया तो ई कहाँ चला जाएगा? एच में चला जाएगा। इसका मतलब एच कैसा हो गया? नॉन एम्प्टी हो गया। अब क्योंकि हमें पहले एच को सब ग्रुप दिखाना है, सब ग्रुप की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम ए और बी दो एलिमेंट एच में से लें और ए बी इनवर्स एच में चला जाए तो वो सब ग्रुप बन जाता है। अब ए और बी एच में से हैं, एच में कैसे एलिमेंट हैं? जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ के इक्वल है। तो एफ स्क्वायर ए बी ए के इक्वल होगा, एफ स्क्वायर बी एफ ऑफ बी के इक्वल होगा। अगर आपको इसको एच में लेके जाना है तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? आपको ये प्रूफ करना है कि एफ स्क्वायर ऑफ ए बी इनवर्स इक्वल है एफ ऑफ ए बी इनवर्स के, तभी वो एच में जाएगा। तो मेन टारगेट आपका ये है कि आपको ये वाली चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अब देखो, ए बी एच में से उठाया तो एफ ए इज इक्वल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एच। अब जो प्रूफ करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज एफ स्क्वायर ऑफ ए बी इनवर्स उठाया। एफ स्क्वायर ऑफ ए बी इनवर्स को लिख सकते हो एफ ऑफ ए बी इनवर्स। एफ क्योंकि ये एक होमोमॉर्फिज्म है तो अप्लाई हो जाएगा दोनों एलिमेंट्स पे, दैट इज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी इनवर्स बन जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? एफ स्क्वायर ए एंड एफ स्क्वायर बी इनवर्स फाइंड कर सकते हो। एफ स्क्वायर ए किसके इक्वल है? एफ ए के इक्वल। एंड एफ स्क्वायर बी इनवर्स, क्योंकि बी भी आपके पास, बी किसका एलिमेंट है? एच का ही एलिमेंट है, तो एफ बी एफ स्क्वायर बी इनवर्स भी किसके इक्वल हो जाएगा? एफ बी इनवर्स के। और एफ होमोमॉर्फिज्म है तो बाहर आ जाएगा एफ ऑफ ए बी इनवर्स, यानी कि एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए बी इनवर्स। तो एफ ए बी इनवर्स कहाँ चला जाएगा? आपके पास एच में चला जाएगा, ठीक है। तो एच क्या बन गया? आपके पास सब ग्रुप बन गया। अब आपको प्रूव करना है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल के लिए हम क्या करते हैं? एक ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं, एक सब ग्रुप का एलिमेंट उठाते हैं। तो एक हमने ग्रुप का एलिमेंट लिया x, एक सब ग्रुप का एलिमेंट लिया h। और हमें दिखाना क्या होता है? हमें ये शो करना है कि x h x इनवर्स कहाँ जाएगा? h में जाएगा। और h में जाने के लिए इसको क्या दिखाना पड़ेगा कि इसके एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ है। तो इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ स्क्वायर उठा लो, एफ स्क्वायर इंटू एक्स एच एक्स इनवर्स। एफ स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? एफ ऑफ एफ एक्स एच एक्स इनवर्स, ठीक है। यहां से अगर आप देखो, यहां पे आपने लिख लिया एफ एफ ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म की फॉर्म में लिखो। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की फॉर्म में ए इनवर्स ऑफ एक्स क्या बनता है? ए इनवर्स का इनवर्स, दैट इज ए एक्स एंड ए। ए क्या काम कौन कर रहा है? ए इनवर्स कर रहा है, तो ए इनवर्स बन जाएगा। तो इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, ये बन गया टी ऑफ एक्स इनवर्स इंटू एच बन गया। अब एफ और टी इज इक्वल्स टू टी ओ एफ, ठीक है। एफ टी इज इक्वल टू टी एफ, तो यहाँ से इसको चेंज कर दिया, टी एक्स इनवर्स बाहर आ गया, एफ एच अंदर चला गया। अब इस पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन खोल दो। इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से क्या बन जाएगा? एक्स इनवर्स का होल इनवर्स एंड एफ एच एंड देन ये वाला एलिमेंट एज इट इज, ठीक है। तो ये बन गया एक्स एफ एच एक्स इनवर्स। एफ क्योंकि आपके पास होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स एफ स्क्वायर एच एंड एफ ऑफ एक्स इनवर्स आपके पास बन जाएगा। और एच किसका एलिमेंट है? कैपिटल एच का, तो एफ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? एफ के इक्वल हो जाएगा। तो ये बन गया एफ एक्स एफ एच एफ एक्स इनवर्स। एफ फिर से होमोमॉर्फिज्म है तो बाहर निकल जाएगा, एफ ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स आपके पास बन जाएगा। यानी कि इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आ गया तो ये वाला एलिमेंट कहाँ चला जाएगा? एच में चला जाएगा। और जैसे ही एलिमेंट एच में गया, एच कैसा बन जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप आपके पास बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है द सेट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी
फॉर्म अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स। जो इनर ऑटोमॉर्फिजम्स का जो सेट होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स का, ये आपको प्रूफ करना है। यानी कि अगर आप जो प्रूफ करना है अगर उसको देखो तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म उठानी पड़ेगी, एक ऑटोमॉर्फिज्म उठानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम जी को एच का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे बनाते हैं, एक जी का एलिमेंट उठाते हैं एक एच का एलिमेंट उठाते हैं। अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एच में चला जाता है तो वो नॉर्मल हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिजम्स को ऑटोमॉर्फिजम्स का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो आपको एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म से उठाना पड़ेगा, एक आपको ऑटोमॉर्फिज्म से उठाना पड़ेगा। और जी एक्स जी इनवर्स अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म में चला जाए तो वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स का। तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो वही कंडीशन, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले उसको सब ग्रुप प्रूफ करना होता है। ठीक है, सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले भी उसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करना होता है। तो नॉन एम्प्टी के लिए जी की हमने आइडेंटिटी उठाई ई। ठीक है, ई के कॉरस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या बनेगी, टीई। टीई बिलोंग्स टू इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, इट मीन्स इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट कैसा है, नॉन एम्प्टी है। अब दो एलिमेंट उठाओ ए बी फ्रॉम द ग्रुप जी, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग इनर ऑटोमॉर्फिज्म उठाओ टी ए टी बी, दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म उठा ली। ठीक है, अब टी ए और टी बी दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या होती है, टी ए फ्रॉम जी टू जी सच दैट टी ए एक्स इज इक्वल्स टू जो सबस्क्रिप्ट में एलिमेंट होता है उसका इनवर्स इनटू में जो यहाँ एलिमेंट है एक्स एंड जो सबस्क्रिप्ट का एलिमेंट है वो एज इट इज। तो ये टी ए एक्स की डेफिनेशन हो गई। टी बी भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म है तो टी बी की भी डेफिनेशन लगा दो, तो टी बी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी इनवर्स एक्स बी। अब उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले आपको दो कंडीशंस प्रूफ करनी है कि टी ए टी बी इज इक्वल टू टी बी ए एंड टी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू टी ए होल इनवर्स। ये कंडीशन हमें क्यों प्रूफ करनी है, ये हम लास्ट में जाके हमें इसका पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो टी ए टी बी इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, टी ए टी बी इंटू एक्स निकाल लो, टी बी एक्स दैट इज डेफिनेशन ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये टी बी एक्स किसके इक्वल है, बी इनवर्स एक्स बी के इक्वल है। ठीक है, अब टी ए अप्लाई कर दो, अब एक्स की जगह पूरा ये एलिमेंट है तो एक्स की जगह पूरा ये एलिमेंट रख दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी इनवर्स एक्स बी ए। ए इनवर्स बी इनवर्स को लिख सकते हो बी ए होल इनवर्स एक्स बी ए, और इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में जाओ दोबारा तो ये किसकी डेफिनेशन बन गई, इनर ऑटोमॉर्फिज्म टी बी ए की डेफिनेशन बन गई। ठीक है, तो टी ए टी बी किसके इक्वल आ गया, टी बी ए के इक्वल आ गया। अब दूसरी चीज़ ये दिखानी है कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए होल इनवर्स, यानी कि एक तरह से आपको दिखाना क्या है कि इस वाले इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो इनवर्स है वो टी ए है। और इनवर्स कैसे शो करते हैं, इनवर्स के लिए आपको क्या शो करना होता है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए तो ए जो होता है वो बी का इनवर्स होता है और बी जो होता है वो ए का इनवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये शो करना है कि टी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू टी ए होल इनवर्स, तो एक तरह से आपको ये प्रूव करना है कि टी ए इनवर्स और टी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है, या फिर लगा लो कि आपको ये प्रूव करना है टी ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर ये चीज़ प्रूव करनी है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। ठीक है, तो हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, टी ए इनवर्स एक्स, यहाँ से क्या होगा, टी ए बाहर टी ए इनवर्स एक्स, टी ए इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दो, क्या होगा, जो सब्सक्रिप्ट का एलिमेंट होता है उसका इनवर्स एक्स एंड जो सब्सक्रिप्ट का एलिमेंट है वो एज इट इज। ठीक है, ए इनवर्स का इनवर्स ए एक्स, ए इनवर्स अगेन टी ए बाहर है तो एक और डेफिनेशन लग जाएगी, एक्स का काम सारा ये वाला एलिमेंट करेगा, क्या बन जाएगा, ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स एंड ए, ए इनवर्स ए को इकट्ठा करो ये आइडेंटिटी एक्स एंड आइडेंटिटी दैट इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि आपके पास यहाँ से किया तो क्या बना, टी ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह से आप दूसरे साइड से प्रूव कर सकते हो, तो यहाँ से आपके पास क्या बन गया कि टी ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, इट मीन्स ये वाली जो चीज़ है ये इसका इनवर्स है, दैट इज टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए होल इनवर्स आ गया। अब हम शो करते हैं कि जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है वो इसका सब ग्रुप बनाती है। ठीक है, फिर बाद में हम दिखाएंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप बनाती है। तो सब ग्रुप बनाने के लिए फिर से वही कंडीशन दिखानी पड़ेगी, क्या दो एलिमेंट उठाओगे इनर ऑटोमॉर्फिज्म से और टी ए टी बी होल इनवर्स भी अगर इसमें चला गया तो आपके पास ये सब ग्रुप बन जाएगा। तो जो दिखाना है उसी को उठा लो, टी ए टी बी होल इनवर्स
x, इसको दिखाना है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में लेके जाना है इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो डेफिनेशन लगाओ। देखो टी बी होल इनवर्स, अब इसका यूज जो हमने सेकंड प्रूव किया था ना, ये इसलिए प्रूव किया था क्योंकि यहाँ हमें इसकी ज़रूरत पड़नी थी, ठीक है। तो यहाँ से देखो टी ए होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, टी ए इनवर्स के। तो टी बी होल इनवर्स किसके इक्वल बन जाएगा, टी बी इनवर्स के। और फिर इसी वाली कंडीशन से यहाँ से आप कर सकते हो, ये हो गया टी ए टी बी इनवर्स बनेगा, ठीक है। और अब जो पहला पार्ट प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि टी ए टी बी इक्वल टू टी बी ए होता है, तो इसके अकॉर्डिंग टी ए टी बी इनवर्स आपके पास ये क्या बन जाएगा, टोटल पूरा टी बी ए, उसका हम लास्ट में यूज़ करेंगे। तो ये बन गया टी ए टी बी इनवर्स एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई, इसको एक्स के साथ किया, एक्स को साथ डेफिनेशन लगा दो, क्या हो जाएगा, सब्सक्रिप्ट का एलिमेंट का इनवर्स एक्स एंड सब्सक्रिप्ट का एलिमेंट बी इनवर्स का इनवर्स बी बन जाएगा, एक्स बी इनवर्स। फिर से इस पे आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दो, बन गया ए इनवर्स बी एक्स बी इनवर्स ए, ए इनवर्स बी इकट्ठा कर दिया, बी इनवर्स ए इकट्ठा कर दिया। इस पे इनवर्स अलग से अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, बी इनवर्स ए होल इनवर्स बन जाएगा। इसको खोल के देख लेना, यही आएगा आपके पास दोबारा, एक्स बी इनवर्स ए बन गया आपके पास, ठीक है। इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, टी बी इनवर्स ए बन गया। यानी कि अगर आप देखो तो टी ए टी बी होल इनवर्स किसके इक्वल आ गया, टी ए टी बी इनवर्स के, और इक्वल आ गया टी बी इनवर्स ए के। तो ये आपके पास बिलोंग कर गया इनर ऑटोमॉर्फिज्म में, ठीक है। अगर ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म में बिलोंग कर गया तो इसका मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो सब ग्रुप बन गया ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का। तो अब फाइनली हमें ये दिखाना है कि ये जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है, और नॉर्मल के लिए क्या करते हैं, फिर से वही एक ग्रुप का एलिमेंट उठाओगे दैट इज टी, एक जिसको प्रूव करना है उसका एलिमेंट उठाओगे दैट इज टी ए, और फिर क्या दिखाओगे कि टी टी ए एंड टी इनवर्स कहाँ जाना चाहिए, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में जाना चाहिए, ये आपको दिखाना है। तो जो दिखाना होता है उसको उठा लो विद द एलिमेंट एक्स, ठीक है। तो टी टी ए टी इनवर्स इसको हमने उठा लिया विद एलिमेंट एक्स, टी टी ए को बाहर रखा, टी इनवर्स एक्स को रख लिया, ठीक है। टी इनवर्स एक्स बन गया, अब इस पे टी ए अप्लाई कर दो। अब ये टी इनवर्स एक्स जो पूरा है ये किसका, एक्स का काम करेगा, ये पूरा का पूरा एक्स का काम करेगा। इस पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दो, क्या बनेगा, सबस्क्रिप्ट का इनवर्स दैट इज ए इनवर्स, जो ब्रैकेट में एलिमेंट होता है टी इनवर्स एक्स वो एज इट इज, देन सबस्क्रिप्ट का एलिमेंट ए। अब टी बाहर पड़ा है, ठीक है। टी क्या है, टी एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ऑटोमॉर्फिज्म है मीन्स होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा दैट इज टी ए इनवर्स, टी टी इनवर्स एक्स एंड टी ए। यहाँ से आपके पास बन गया टी ए इनवर्स टी टी इनवर्स एक्स बन गया एंड टी ए, टी ए इनवर्स आपके पास होल, आपके पास क्या बन जाएगा, होल इनवर्स, ये आप थ्योरम करके आए हो, एक्स टी ए, टी ए को नाम दे दो सी, ठीक है, सी इनवर्स एक्स सी, इसको इनर ऑटोमॉर्फिज्म की फॉर्म में लिखोगे ये क्या बन जाएगा, टी सी एक्स, दैट इज टी सी एक्स इज अ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये कहाँ जाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म में चला जाएगा। अगर ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म में है तो ये भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म में जाएगा क्योंकि ये तो इसी के इक्वल है। तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म में चला गया तो हमारे पास सब नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होता है वो ऑटोमॉर्फिज्म्स के सेट का नॉर्मल सब ग्रुप बनता है, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कौन से होते हैं, जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होते हैं, ठीक है। उसका हर एक एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की फॉर्म में लिखे होते हैं, और उसके जो अगर आप देखो तो ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो उसके जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल हो जाए तब भी आपका ग्रुप साइक्लिक हो जाता है। तो जी एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए, उस पे हमें एक ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है, ठीक है। तो एक ऑटोमॉर्फिज्म एफ ऑफ जी इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय द मैपिंग एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, वेयर एम इज सम इंटीजर। तो अब आपके पास जब भी आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोला जाएगा किसी साइक्लिक ग्रुप की तो ये अंडरस्टूड है, तो वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म किस फॉर्म की होगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम फॉर्म की होगी। जहां भी आपके पास ये लिखा आ गया कि जी साइक्लिक है और एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये अंडरस्टूड है कि एफ की फॉर्म आपके पास ये वाली होगी, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, ठीक है। तो इसका हम यही तो ये यूज करेंगे इसका। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 15 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कहता है, शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन। अब आ गई बात, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उस पर ऑटोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने जी ग्रुप ले लिया और साइक्लिक है तो किसी न किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। लेट जी इज इक्वल्स टू ए से जनरेट होने वाला एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप,
ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ जी बी द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स। ऑटोमॉर्फिजम्स में क्या होता है, वो सारे फंक्शंस जाएंगे सेम ग्रुप टू सेम ग्रुप, जो वन वन होंगे, जो ऑन टू होंगे और जो होमोमॉर्फिजम्स होंगे, तो ये सारे के सारे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में चला जाएगा। आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला जो ग्रुप होता है वो वाला ग्रुप अबेलियन होता है, यानी कि अगर मैं इसमें से दो एलिमेंट उठाऊं F और G, तो एफ जी इक्वल टू जी एफ होता है, कम्यूट करते हैं, ठीक है। अब F G दोनों मैंने यहाँ से उठाए हैं, तो F और G दोनों के दोनों कैसे होंगे, वन वन भी होंगे, ऑन टू भी होंगे, होमोमॉर्फिज्म भी होंगे, और क्योंकि G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो F किस फॉर्म का होगा, जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया था एफ ऑफ ए इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, तो F किस फॉर्म का होगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए रेज टू पावर एम। जी भी इसी ग्रुप का एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो जी भी किस फॉर्म का होगा, ए रेज टू पावर एन टाइप का होगा, ठीक है। एम हम और एन हमने दो नेचुरल नंबर ले लिए डिस्टिंक्ट करने के लिए। अब दिखाना क्या है, दिखाना ये है एफ जी इक्वल टू जी एफ, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, एफ जी ए अप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए की वैल्यू ए एन, एफ ऑफ ए एन, यहाँ पे ए की जगह ए एन करो तो ये कितना हो जाएगा, ए एन की पावर एम, दैट इज ए एन एम, ए एन एम को लिख सकते हो ए एम एन, और ए एम एन को ए एम रेज टू पावर एन, ठीक है। यहाँ से आप देखो ए एम रेज टू पावर एन, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ ए, दैट इज एफ जी इज इक्वल्स टू जी एफ, तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स कैसा हो गया, अबेलियन हो गया, अगर जी हमारे पास साइक्लिक होता है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उसने बोला कि जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, देन द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिजम्स ऑफ जी इज फाई एन, कि जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी जो ऑटोमॉर्फिजम्स होंगी वो फाई एन होंगी। फाई एन क्या था, आयलर फंक्शन, आयलर फंक्शन हम करके आए थे, आयलर फंक्शन फाई एन में वो सारे एक्स जाते हैं जो एन से छोटे हैं एंड को प्राइम टू एन है, यानी कि जिनकी जीसीडी एन के साथ वन है, वो आयलर फंक्शन में चले जाते हैं। तो अब आपको यहाँ ये प्रूव करना है कि अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, तो जो ऑटोमॉर्फिजम्स होंगी वो कितनी होंगी, फाई एन होंगी, मतलब उनका नंबर कितना होगा। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वही तो होता है कि कितने उसमें एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप यानी कि कितने उसमें एलिमेंट है, तो ऑटोमॉर्फिजम्स कितनी होंगी, फाई एन होंगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो कंडीशन गिवन है, गिवन क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन का, अगर साइक्लिक ग्रुप है तो किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा, सपोज कर लो जी जो है वो ए से जनरेट होता है, और हमें पता है अगर ग्रुप साइक्लिक है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, ग्रुप का ऑर्डर कितना है एन, तो जनरेटर ए का ऑर्डर भी कितना होगा एन, ठीक है। तो जी ग्रुप डिफाइन कर लिया, ए वन ए टू ए एन माइनस वन ए एन, ए एन पे जाते ही क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि ए का ऑर्डर कितना है, एन है। अब एक ऑटोमॉर्फिज्म उठाओ, एफ फ्रॉम एफ बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी। अब देखो जी साइक्लिक है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, तो एफ की फॉर्म क्या होगी, जो हम डिफाइन करके आए हैं एफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, इसी फॉर्म का होगा। अब उसने एक फॉर्म, एक और ऑटोमॉर्फिज्म जो उसने डिफाइन करी है एफ फ्रॉम जी टू जी, उसने बोला है कि एफ ऑफ ए आर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होल रेज टू पावर आर, हमने आर बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ से हमने ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन करी है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, एम बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एम इज लेस देन एन, हमने इस हिसाब से लिए। अब हम क्या करते हैं, हम इस ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर निकालते हैं, कितना ऑर्डर आएगा, क्योंकि हमें ऑटोमॉर्फिज्म के ऑर्डर की तो बात करनी है, ठीक है। तो हमने इसका ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर निकाला एफ ऑफ ए होल रेज टू पावर एन, ऑर्डर ऐसे ही चेक करते हैं ना, अगर ये आइडेंटिटी आ गया तब हम इसके ऑर्डर की बात कर सकते हैं, एफ ऑफ ए होल रेज टू पावर एन। अब एफ ऑफ ए होल रेज टू पावर एन इसका मतलब क्या है, एफ ए एफ ए, इसको एन टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है, और एफ क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म है मीन्स होमोमॉर्फिज्म भी है, इसको लिख सकते हो एफ ए ए ए ए एन टाइम्स, या फिर आप कर सकते हो एफ ऑफ ए रेज टू पावर एन। तो इसको हमने कर लिया एफ ऑफ ए रेज टू पावर एन, और ए रेज टू पावर एन दैट इज ऑर्डर ऑफ ए कितना है, एन, ए रेज टू पावर एन किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी, तो एफ ऑफ ई बन गया, एंड एफ ऑफ ई इज अगेन इक्वल्स टू ई, इट मीन्स एफ ए की होल पावर एन करने पर आपको आइडेंटिटी मिल रहा है, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू एन रहेगा। अब हमें ये देखना है कि क्या वो लेस देन एन होगा या इक्वल टू एन होगा, ठीक है। तो पहला केस सपोज करो कि वो लेस देन एन होगा, ठीक है, सपोज ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन एन,
लेस देन एन है तो किसी ना किसी नंबर के इक्वल होगा. लेट ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डी. डी क्या है? लेस देन एन है. अगर एफ ए का ऑर्डर डी है, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही एफ ए की पावर डी करोगे तो कितना मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगा. बाय द सेम आर्ग्यूमेंट जो हम पीछे करके आए हैं, ये ए रेज टू पावर डी बन जाएगा. ए रेज टू पावर डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ई. क्योंकि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये वन वन भी होगा. वन वन इमेजेस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए रेज टू पावर डी इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा. एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी बन जाएगा. बट डी क्या है? डी तो एन से छोटा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए भी क्या होगा? लेस देन एन. ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए कितना था? एन था. इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए लेस देन एन नहीं हो सकता. तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए कितना रहेगा? एन आपके पास रहेगा. ठीक है, अब हमें तो फाई एन पे जाना है. फाई एन में क्या बात करते हैं हम? जी सी डी की बात करते हैं. ठीक है, तो जी सी डी सपोज कर लो, लेट एम एन की जी सी डी टी है, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन. ठीक है, अब टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है, इस पे भी कंडीशन आती है. क्या वो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल होगा? तो ये भी देख लेते हैं. सपोज करो टी ग्रेटर देन वन है. अगर टी ग्रेटर देन वन है तो एफ ऑफ ए की पावर अगर हम एन बाय टी निकालें, एफ ऑफ ए कितना डिफाइन है? बाय द ऑटोमॉर्फिज्म ए रेस्ट पावर एम डिफाइन है कि पावर एन बाय टी हो जाएगा. एम एन को इंटरचेंज कर दिया, ए रेस्ट पावर एन एम पावर टी, ए रेस्ट पावर एन आइडेंटिटी, क्योंकि ए का ऑर्डर एन है तो आइडेंटिटी की पावर जितनी मर्जी कर लो वो आइडेंटिटी मिलेगा. तो ऑर्डर की डेफिनेशन लगाओ तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू एन बाय टी आएगा. लेस देन इक्वल टू एन बाय टी, और एन बाय टी किससे लेस है? एन से, क्योंकि जीसीडी ऑफ एम एन कितनी है? टी. दिस इंप्लाइज एन बाय टी इज लेस देन एन. तो यहां से आपके पास आया क्या कि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू एन बाय टी, और एन बाय टी अगेन लेस देन है एन से, तो ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए क्या हो गया? लेस देन एन आ गया. ठीक है, लेस देन एन तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑर्डर ऑफ एफ ऑफ ए कितना है? एन है. इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि टी ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता. टी ग्रेटर देन वन नहीं है तो इसका मतलब कितना है? टी कितना होगा? वन होगा. तो टी वन होगा तो जी सी डी कितनी आ गई? वन हो गई. ठीक है, तो इन सारे फैक्ट्स को देखते हुए हमारे पास क्या आया कि किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म के लिए एफ बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, जब भी ग्रुप का ऑर्डर एन होगा और ऑटोमॉर्फिज्म हमारी इस तरह से डिफाइन होगी सच दैट जीसीडी ऑफ एमएन इज इक्वल टू वन, तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म आएगा वो फाई एन आएगा. ठीक है, यानी कि अब जब भी आपको ऑटोमॉर्फिज्म पूछी जाएं किसी ग्रुप के, किस ग्रुप पे कितनी ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको फाई एन निकालना है. फाई एन क्या होता है? वो सारे नंबर जो एन से छोटे हैं और जिनकी जीसीडी एन के साथ वन है. ठीक, तो यहाँ तक आपके पास ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है. इसके बेस्ट एग्जांपल जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इस लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो वो गूगल मीट में पूछ सकते हैं. थैंक यू.